मैं अगर वैसे आई थिंक अनुपम सर को मिलती तो बहुत नर्वस होती। इस बार भी जब मेरा पहला दिन था वनडे के सेट पे, नर्वस से ज़्यादा एक्साइटेड बहुत थी, बिकॉज एक्टर्स प्रिपेयर्स की मैं प्रोटेजी हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि जो मेरे गुरु हैं उन्हीं के साथ अब मैं सीन शेयर करूंगी, स्क्रीन स्पेस शेयर करूंगी। बट अनुपम सर का एक चीज़ बोलूंगी, एंड सर इसलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ पर हैं, सर के पीछे से भी मैं जब नहीं होते और कोई पूछता है यही बोलती हूँ, इतनी फिल्म सर ने कर ली, बट अभी भी वो पूछते हैं, अच्छा ये मेरा शॉट ठीक है, मतलब वो और सर से पूछते हैं या हम लोगों से कि ठीक बोला, अच्छा एक और ले लिया। एंड आई थिंक हमें और ये सीखने को मिलता है, अच्छा जितना मतलब पूरी उम्र है हमारे पास सीखने के लिए, एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू। सुपर। आई ऑलवेज फील बटरफ्लाइज अभी भी। या बटरफ्लाइज आर नॉट देयर, दैट मींस यू आर अ डेड एक्टर। बट थैंक्स टू अशोक जी, ये मॉडेस्ट होके कर, इन्होंने जीना आराम किया हुआ था शूटिंग के दौरान मेरा। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा सर, नहीं सर, ये नहीं सर, दोबारा करते हैं। बड़े ढीठ हैं, और जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, अच्छा बहुत ही ढीठ होते हैं, और ये बहुत ढीठ हैं। बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पर जितने भी कलाकार बैठे हुए हैं जो भी मंच पर नहीं है, आई थिंक व्हेन यू वर्क विद पीपल हु नो देयर जॉब, तो आई बिकम फ्राइटेंड बिकॉज आई हैव टू, आई गो टू एवरी सेट, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एज अ न्यू कमर, राइट, एंड देर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज एक्टर्स हु आर हेयर। आनंद यहाँ बैठे हैं, ये सारे जो नए कलाकार इनके साथ आए हैं, एंड सबसे बड़ी बात है कि वेन योर स्टूडेंट वर्क विद यू देन यू हैव टू डू वेल, राइट, बिकॉज उनके मन में ये होता है कि इन्होंने मुझे पढ़ाया है, हमारे स्कूल से हैं ये, तो एक्साइटमेंट खुद ही बनानी पड़ती है अपनी। यू सी, यू हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट योर वर्क, द डे यू कैरी द बर्डन ऑफ वेटरन, लेजेंड, थेस्पियन, वो सब आपको इसलिए किताब दिए जाते हैं कि ये आपके रिटायर होने का टाइम हो गया। लेकिन जैसा कि इसने बोला है डायलॉग कि नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं, और मैं तो नौकरी से भी अगले 50 साल तक रिटायर नहीं होने वाला। क्या बात है, खेर साहब के लिए तालियां, कम ऑन। मैंने इस ही हैज टू से सर कुछ तो बोल दो सर, जो रीटेक्स हो रहे थे उसका रिजल्ट यही है। नहीं, आई थिंक अशोक इज अ वेरी इज अ शाय पर्सन, बट ही इज वेरी, ही नोज वट ही इज डूइंग, हिज टेक्निकल बैकग्राउंड इज हेल्प्स हिम ग्रेटली। When a movie like this happens, you have to do what you don't do in other movies, because merely it's about the film is about a retired judge. The day when he retires, he discovers it's not hidden, so it's there. So I can reveal the story so that it involves a certain. तो जिस दिन वो judge retire होते हैं, उस दिन उनको एक ऐसा हादसा होता है और उनको पता लगता है कि उनकी जिंदगी के पूरे साफ सुथरे करियर में 4 केस ऐसे थे जिनमें अपीलों की वजह से, जिनमें गलत सबूतों की वजह से उनको, उन 4 लोगों को सज़ा देनी थी, एंड देन ही हैड्स आउट टू डिलीवर जस्टिस व्हेन ही इज़ रिटायर्ड, एंड देन देर इज़ पुलिस ऑफिसर लाइक हर, शी वांट्स टू, सो इट्स अ कैट एंड माउस स्टोरी, राइट, एंड वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड, एंड आई एम श्योर इट्स पीपल विल लाइक इट। पीपल डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अकॉर्डिंग टू मी। हमारे यहाँ इतने सारे, जैसे कि आपने इतने सारे केसेस बताए, इतने सारे केसेस जो हैं कुछ तो अदालत में आते ही नहीं हैं, कुछ लोग जेलों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास वकील तक नहीं है हायर करने के लिए। सो द दिस इज ऑल्सो, दिस विल रिफ्लेक्ट सिस्टम विच नीड्स टू बी, बट सब ठीक है, ठीक ही हो जाएंगी चीज़ें मुझे लगता है। बट हमारा लीगल सिस्टम इज़, आई थिंक वी आर स्टिल फॉलोइंग द ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, वी नीड टू चेंज दैट, वी नीड टू अपॉइंट मैनी मोर जजेस, मच मच मैनी मोर जजेस देन दे आर राइट नाउ। एंड जज को ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट के बाद पता लगता है, जज को पता होता है कि but it's a technical thing, emotionally you can't give judgment, the judge's judgment has to be based on the saboot aur ye sab cheezon ke upar, but I think it's very important to change that. Every day now when I go to work, I tell myself I don't know anything about acting, that is the only way, that's why Isha said that that's the only way. Hum sab apne apne gyan ke तले दबे रहते हैं, और जब तक अपने ज्ञान के तले दबे रहेंगे नया कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा ये सोच के जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, और जो भी साथ में होते हैं हम अपनी, मैंने बताया ना, अपनी सीनियोरिटी वजह से फंस जाते हैं। पर अगर आप ये जान के चलें, एक सीन था मेरे दो दोस्तों का यहाँ पर,
when we were doing that, मैंने अशोक को कहा, मैंने कहा यार ये मुस्कुरा रहे हैं सीन के वक्त, तो अशोक ने कहा कि बिकॉज उनका कैरेक्टर है मुस्कुराने वाला. तो बड़ी जल्दी से आसानी से जवाब मिल गया. आई थिंक व्हेन यू आर रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. देखिए ऑल और जो कलाकार हैं उनसे रेफरेंस नहीं लिया क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर है वो उनका नजरिया है, वो मतलब दिस फिल्म इज़ हिज बेबी, अशोक सर बेबी. तो क्या होता है हर डायरेक्टर का एक अपना व्यू होता है. सर ने हमारा एक जो रेफरेंस था, ऑफकोर्स सर ने मुझे एक दो हरियाणवी जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनसे मिलवाया ताकि समझ में आए उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. बहुत ही अलग बॉडी लैंग्वेज होती है और नॉर्थ की स्पेशली ना थोड़ी जो वहाँ की औरतें भी होती है ना वो किसी मर्द से कम नहीं होती. और आई थिंक वो ये पुलिस ऑफिसर भी वैसी है, एक अंदाज होता है बात करने का. वो आई थिंक कुछ भी आप बोले फिल्म को और इस कैरेक्टर को लेके, मेरे लिए स्पेशली मैं बोलूँगी जो भी प्रिपरेशन गई है वो सब अशोक सर के साथ बैठ के. हमारे डायलेक्ट मुझे एक सिखाते थे कि कैसे बोलना है, क्या अंदाज होना है. एक उसकी राठी की एक जनरल नेचर क्या है, सार्कास्टिक है मगर वो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेती है. मगर वो होता है ना कंबल में लपेट के मारना, डंडों से भी मारा है उसने मगर जब वो बात करती है उसका अंदाज ऐसा है कि वो प्यार से बोलेगी मगर आपको पता है कि वो नीचे से आपको थप्पड़ मार रही है. तो वो सब जो है किसी एक्टर से नहीं बट वो सर से सिखाया. सर के सारे रेफरेंसेस थे क्योंकि इन्होंने पूरा होमवर्क करके बैठे थे कि वहाँ पे जैसे मैंने बोला हरियाणा बहुत अलग है, मैं पंजाबी हूँ बट एक हरियाणा और पंजाब की डायलेक्ट इतना अलग है कि मैं नहीं बोल पा रही थी. तो सब क्या सब आई थिंक शायद सबको सर को जाता है. आई थिंक डिफिकल्ट से मैं बताता हूँ इसने क्या किया था. इनने अशोक जी को कहा कि मेरा पहला शॉट जो है सर के बगैर ले लेना, अलग से सर का अलग से ले लेना. बट देन लेटर ऑन आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब. इट वाज अ लॉन्ग सीन, आई थिंक इट वाज अ क्लाइमैक्स वी स्टार्टेड शूटिंग विद वेयर शी हैड 3 pages ऑफ डायलॉग्स एंड आई हैड हाफ ए पेज ऑफ डायलॉग. फर्स्ट 2 minutes तो आई थिंक जहां मुझे गुस्सा होना है मेरे फेस ऐसा था क्योंकि मैं जब सर को देखती है ना आई वाज लाइक हाय सर. एंड वो एंड यू नो लाइक जब आप जानते हो आपके कोई गुरु है आपको पता है कि वो कैसे रह चुके हैं. इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी. ऑफकोर्स एक थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रेस था कि मतलब यू नो मोर देन मेकिंग हिम अ लेजेंड और एनी थिंग, जो भी है एक गुरु का जो महत्व होता है आपकी लाइफ में आई थिंक सबसे ऊँचे दर्जे पर होता है आपको काफ़ी. एंड मैंने तो सर से ही सीखा है तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू. मैंने बोला था कि अलग से मेरा शॉट ले लो क्योंकि that was the first shot only after that. I think what the but people who have I think learned from it is not that they are nervous, they don't want to disappoint the teacher, that they want to, they're excited basically. I think she's done a great job. Everybody's job is fantastic in the film. Rajesh is very good. Kumud ji jo abhi aaye nahi hain bahut acha, unke sath kaam karke mera pehla scene unhi ke sath tha, bahut acha laga. I must say that this young producer has really stood by Ashok ji. They've really done a great job. We have the youngest assistant director also here, Yash Nanda, who's Ashok ji's son. He was khade pe dikhao the stage pe aage dikhao. He walks also like Ashok sir. Yeah, ye Ashok ji ka beta, ye youngest assistant director tha. Isne 2-3 shot bhi liye hain, isne 2-3 shot approve bhi kiye hain. So he wanted his name also instead of my name, he wanted his name. इन्होंने अपना कंप्यूटर में इनका ना पिताजी का नाम निकाल दिया था, अपना नाम डाल दिया डायरेक्टर भाई यश नंदा. अच्छा वन मोर ट्रिविया विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिविया, दैट इन 35 years देर इज नॉट बीन ए सिंगल डे सिंगल टाइम सिंगल आवर वेन आई एम नॉट हैविंग एनी फिल्म इन इंडिया. दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर वन डे राइट नाउ आई हैव नो फिल्म इन इंडिया एंड स्टिल आई फील मोस्ट एम्पावर्ड actor in the world. Superb, superb. This is the first time, this is the in the last 35 years. 25 mai ko ek do char banda mujhe ho jayenge filmon mein 35 saal. 25 mai 1984 ko saransh release hui thi aur 2 din baad hai aur 35 saal ho jayenge aur in 35 saalon mein maine bahut utar chadhav dekhe hain aur ab पहली बार ऐसी कोई फिल्म नहीं है तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर फिल्म बनाने वाले सब आ जाओ. आई विल बी बैक इन 1 ईयर्स टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देन वी विल स्टार्ट लाइफ ऑल ओवर अगेन.